रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहाँ पर आपको खाने पीने की तमाम चीज़ें मिलेंगी। कुछ यहाँ पर होते हैं जिनको सिर्फ फास्ट फूड पसंद आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जो है देसी पसंद होता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और क्यों हम कहीं और लोगों को भेजें, हम एक ही जगह क्यों ना कर लें। आजकल प्लेटर जो है वो हर जगह इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, जो भी लोग आ जाते हैं वो इजीली उसको ले सकें, परचेज कर सकें। आउट क्लास, ये जो आप प्लेटर देख रहे हैं ये है बादशाह प्लेटर। 1300 रुपये इसकी जो है वो प्राइस है। मुँह में पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा। कस्टमर को हमारा टेस्ट भी पसंद आता है, दूसरा प्राइस की वजह से भी, प्राइस भी हमारी बहुत रीजनेबल है। गूगल मैप पे आप अगर सर्च करेंगे डी वाइट बिस्ट्रो एंड कैफे के नाम से तो आपको इजीली मिल जाएगी लोकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे कैफ़े पर मौजूद हूँ जो एक रूफ टॉप पर बनाया हुआ है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक खातून चला रही है, एक लड़की, एक जवान लड़की चला रही है। ये सारी मैनेजमेंट, यहाँ के ऑर्डर्स लेना, पूरी मैनेजमेंट जो है वो एक लड़की संभाले हुए है। इनके ओनर जो हैं वो बाहर हैं और यहाँ की सारी जो मैनेजमेंट है वो एक खातून संभाल रही हैं। किस तरह से वो मैनेज कर रही हैं और किस तरह इस रेस्टोरेंट को लेकर चल रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक ये रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहाँ पर आपको खाने पीने की तमाम चीज़ें मिलेंगी। अगर बात हो फास्ट फूड की, बारबेक्यू की, कढ़ाई की, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और अगर यहाँ पर प्लेटर की बात करें तो यहाँ पर प्लेटर भी मिलेगा, वो भी इंतहाई कम कीमत में। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैफ़े किस तरह का बना हुआ है, उस खातून से भी आपकी बात करवाते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो प्राइजेज हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मेरे साथ डी वाइट कैफ़े की मैनेजर फीहा मौजूद हैं और बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ का। एक रूफ टॉप पे ये बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा पुरसकून माहौल है यहाँ पर। जो खाना चाहते हैं वो हर तरह की वैरायटी आपको एक ही जगह पर मिलेगी और यहाँ पर आप इजीली सुकून से बैठ के अपने फैमिली के साथ अपना डिनर, अपना जो है वो लंच इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं फीहा से कि यहाँ पर और मज़ीद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा फीहा, बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है, छोटा सा, एक तसल्ली सुकून सा मिल रहा है यहाँ पर आके, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, तो ये आइडिया किस तरह जनरेट हुआ? ये हमारे जो ऑनर्स हैं, हमारे पास दो ऑनर्स हैं, दानिश भाई और शहजाद भाई, ये उनका आइडिया है कि एक जगह पर हम वर्कर वर्किंग करें। तो ये रूफ टॉप पर उन्होंने ओपन किया और आज माशाल्लाह से आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर ऑल इन वन, इसको मैं कहूँगी कि ये ऑल इन वन कैफ़े, मतलब हर तरह का खाना जो बाहर मिल रहा होता है यहाँ पे सारी वैरायटी रखी हुई है। इसके पीछे क्या हो जाती है, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि रेस्टोरेंट या तो बारबेक्यू के होते हैं या कॉन्टिनेंटल डिशेस के होते हैं या फ़ास्ट फूड के होते हैं या चाइनीज़ के होते हैं, यहाँ पर सारे ही चीज़ें एक ही मेन्यू कार्ड में ऐड करने का क्या मकसद था? देखिए, यहाँ पर अमूमन लोगों को खाना पसंद बहुत है, वो डिफरेंट टेस्ट रखते हैं। कुछ यहाँ पर होते हैं जिनको सिर्फ फास्ट फूड पसंद आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जो है देसी पसंद होता है। तो हमने कहा क्यों हम कहीं और लोगों को भेजें, हम एक ही जगह क्यों ना कर लें। तो हमने सब चीज़ें एक ही जगह कर ली। अच्छा, वैसे यहाँ पर और कौन कौन सी सहूलत है जिससे आने वाला जो है वो फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, बेसिकली अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर एक तो फैमिली के लिए, आप देख सकती हैं कि किस तरह हमने सेटअप किया हुआ है फैमिली के लिए। दूसरा ये कि हमने यहाँ पर इवेंट्स भी किए हैं कि अगर बर्थडे वगैरह है या कोई गेट टुगेदर वगैरह, तो उसकी भी डेकोरेशन इवेंट्स हम कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं तो कस्टमर फिर वही चाहते हैं कि सब एक ही जगह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी तरह हमने भी इस कॉन्सेप्ट को रखा कि सारी चीज़ें एक ही जगह कर लें ताकि कस्टमर एक ही जगह खुश हो जाए। अच्छा, ये वैसे पूरा जो एरिया यहाँ पर है ये बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बुक हो जाता है, पूरा यहाँ पे होती हैं, क्योंकि पीछे सेटअप लगा हुआ भी है बर्थडे का? जी जी, यहाँ पे बर्थडे भी होती है, बाकी इवेंट्स भी लोग करते हैं, तो हम इस तरह से डेकोरेशन वगैरह करके देते हैं उनको। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं अभी आपका मेन्यू कार्ड देख रही थी, उसमें मेरी नज़र पड़ी प्लेटर पर, जो आजकल प्लेटर जो है वो हर जगह इतना ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है, लोग अब आके प्लेटर की ही डिमांड करते हैं।
तकरीबन अब काफ़ी ही रेस्टोरेंट में प्लेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है, लेकिन मैंने अभी तक जो प्राइस कॉस्ट आपके प्लेटर की देखी है वो कहीं भी मैंने नहीं देखी। प्लेटर जो है वो स्टार्ट ही 2000 रुपये से होता है, लेकिन आपका एक प्लेटर है जो 1100-1200 स्टार्ट हो रहा है, तो उस प्लेटर में क्या क्या चीज़ें हैं आप ये बताइए पहले। देखिए उसमें हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, एक तो प्राइस को के ताकि जो भी लोग आए होते हैं वो ईज़िली उसको ले सकें, परचेज़ कर सकें। अब बहुत सारी जगह पर होता है लोग कहते हैं कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो यहाँ पे हमने इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ है। दूसरी बात ये कि उसमें अच्छी खासी चीज़ें होती हैं, लाइक टिक्का भी होता है, कबाब भी होते हैं, चिकन के भी होते हैं, बीफ भी होता है, लाइक राइस भी होता है, फिर पराठा, चपाती, स्टैंडर्ड फ्राइज, तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटर में अवेलेबल हैं। और अगर मैं दूसरा जो प्लेटर है आपका एक बर्गर प्लेटर के नाम से, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? लेकिन उसके अंदर अभी हमने वो न्यूली लॉन्च किया है, उसके अंदर हम तीन अपने बर्गर्स देते हैं, सिग्नेचर बर्गर है वो बेसिकली, ठीक है, सिग्नेचर प्लेटर है हमारा। उसमें जो है एक तो हमारे पास हमारा सिग्नेचर बर्गर है, उसमें जिंगर भी है और साथ में फ्राइज़ वगैरह, तीन टाइप के हम बर्गर्स उसमें रखते हैं, फ्राइज़ रखते हैं, विंग्स रखते हैं। और उसकी प्राइस भी बहुत ही मतलब कि कम रेंज है, इतना हाई फाई नहीं है, 1250 रुपीज़ में हम आपको पूरा प्लेटर दे रहे हैं। 1250 रुपीज़ में हैरान हो गई कि मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको 1250 में आपको मिल रही हैं, वरना मोस्टली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बर्गर की जो प्राइस है वो 500-600 रुपये हो गई है आम रेस्टोरेंट्स में। अच्छा यहाँ पर अभी ये कि ये औरंगी टाउन में है और यहाँ पर कस्टमर रेशो कैसा है, क्योंकि इलाके से भी बहुत मुतासिर होती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम जिस जगह पर हैं माशाल्लाह वहाँ पर कस्टमर्स बहुत आते हैं, ठीक है। और दूसरा असल बात होती है टेस्ट, आप अपने कस्टमर को टेस्ट कैसा दे रहे हो। तो अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इतना वो दिया है कि कस्टमर को हमारा टेस्ट भी पसंद आता है, दूसरा प्राइस की वजह से भी, प्राइस भी हमारी बहुत रीज़नेबल है, तो कस्टमर का रेशो अच्छा है यहाँ पर। अच्छा यहाँ जो ओनर्स हैं इस कैफ़े के, उनका क्या ख्याल था, क्या उनका माइंड था जो उन्होंने ये कैफ़े ओपन किया यहाँ पर? देखिए वो दोनों दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने आई थिंक साथ काम शुरू करने का सोचा, तो उनको यही एक आइडिया अच्छा लगा कि साथ रहकर काम किया जा सकता है, लोगों से इंगेज होंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है, तो इसीलिए इस पे काम किया। सही हो गया। अच्छा अभी जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है जगह को देखकर? खाने के हवाले से मुझे आपने बताया कि टेस्ट बहुत अच्छा है, पसंद आते, लेकिन जगह के हवाले से क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? बड़ा ही मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, मुझे लग रहा है मैं किसी घर की छत पर आई हुई और वहाँ पे ये पूरा सजावट हुई हुई है, जैसे कोई तकरीब है यहाँ पर, तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल यहाँ पर लग रहा है। कस्टमर को देखें, एक तो रूफ टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ख़ासकर लड़कों को भी, और आजकल तो ये देखा जाता है कि फैमिली का भी ज़्यादा रुझान होता है कि वो बाहर जाएँ, घूमें फिरें, तो वो यही सारी जगह अब ज़्यादातर आना चाहते हैं जहाँ पर उनको सारी चीज़ें भी मिल जाएँ और उनको एक अच्छी फ़िज़ा भी मिल जाए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आते हैं लोग, तो बस अल्लाह का करम है। अच्छा ये जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह, उसका अगर कोई बुकिंग करवाना चाहे तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं या क्या सीन होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है? देखें हम बेसिक डेकोरेशंस अमूमन करके रखते हैं, लाइक फ्लावर्स पर, बलून्स पर हम करके रखते हैं ताकि अगर कोई भी आए तो वो सेलिब्रेट कर ले। लेकिन अगर आपने कस्टमाइज करवाना है, लाइक कोई भी थीम आपने दिया है, तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, वो कॉस्ट होता है कि कितना हो सकता है, लाइक 2000, 1000, 5000, जितने भी चार्जेस होते हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अच्छा ऐसी कोई डील आपने स्पेशली रखी हुई जो इवेंट्स वगैरह के लिए आप लोग दे रहे हों? देखिए हम वैसे भी बहुत सारी डीलों पे काम कर रहे हैं, हमारे पास वैसे ही 5 डील्स अभी इस वक्त एक्टिव हैं, तो हमने इवेंट्स के लिए अभी डील नहीं रखी हैं। अच्छा लोकेशन आप गाइड कर दीजिए कि ये कहाँ पर है, ताकि वैसे गूगल मैप पे आप अगर सर्च करेंगे डी वाइट बिस्ट्रो एंड कैफ़े के नाम से तो आपको इजीली मिल जाएगी लोकेशन, और वर्बली भी थोड़ी सी गाइड कर दें कि ये कहाँ पर है, कैसे कोई यहाँ पहुँच सकता है। तो ये है सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन में, मेन नूरानी की तरफ से अगर आप आते हैं तो नूरानी के बिल्कुल सामने, अगर आप यहाँ पर सफ़ेद चौक वाली साइड से आते हैं तो सफ़ेद चौक से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो टॉप पे लिखा हुआ है डी वाइट कैफ़े, ठीक है, मेन औरंगी टाउन सेक्टर 11.5। सही हो गया। तो भाई जो लोग चाहते हैं एक पुरसकून माहौल में बैठ कर अपनी फैमिली के साथ खाना इंजॉय करना, तो वो यहाँ पर लाजमी विज़िट करें। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटर्स की भरमार हो चुकी है। ये जो आप प्लेटर देख रहे हैं ये है बादशाह प्लेटर, यहाँ पे आपको इसमें सब कुछ मिल रहा है।
1300 रुपये इसकी जो है वो प्राइस है। आपको साथ में पराठे, चपाती, राइस, टिक्का, कबाब, फ्राइज़ वगैरह, चटनी, सलाद सब कुछ इसमें मिल रहा है। मुँह में पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये बर्गर प्लेटर है जिसमें आपको 3 डिफरेंट किस्म के बर्गर्स मिल रहे हैं। ये है चिकन विंग्स और साथ में ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ मिल रहे हैं फुल लोडेड। तो ये तमाम चीज़ें हैं और भी बहुत लेंथी मेन्यू है, तो अब ट्राई करते हैं कि देखें लेंथी मेन्यू है, प्राइजेज अच्छी हैं, लेकिन टेस्ट कैसा है। जो बात मेन होती है वो टेस्ट की होती है। सबसे पहले मैं ये जो फ्राइज़ लोडेड फ्राइज़ यहाँ पर रखे हुए हैं ये मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। बहुत ही आला। जब साथ में ये प्लेटर है, प्लेटर मैंने बहुत जगह के खाए हुए हैं और मुझे बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि अब प्लेटर जो है वो कहाँ का अच्छा होगा, तो मैं आपको प्लेटर भी जो है वो साथ साथ इसका ट्राई करके बताऊंगी। सादे राइस नहीं है, ये पुलाव है, जो मोस्टली पुलाव होता है वो राइस है और बहुत ही मज़े के हैं। और ये कबाब आउट क्लास। जिंगर का चिकन में ऐसी टेस्ट करी होंगे, बर्गर मुझे देख के ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसी जगह, ऐसा प्लेस है कि आप लोग आकर यहाँ पर पागल हो जाएंगे, प्राइजेस के हवाले से भी और टेस्ट के हवाले से भी। तो हाईली रिकमेंड, हाईली 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 रिकमेंड ये जगह, ये प्लेस मिस मत करें। अपनी फैमिली के साथ आएँ और दुआओं में याद रखें।